हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक स्किन लाइटनिंग बीटरूट सोप शेयर करूंगी, जिसके यूज से आपकी स्किन पर से सारा सनटैन इंस्टेंटली रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लोइंग भी हो जाएगी। सोप यूज़ करने के बाद हमारी स्किन बहुत ड्राई फील करती है, पर इस सोप के यूज़ से आपकी स्किन बहुत मॉइस्चराइज्ड और हाइड्रेटेड फील करेगी। तो चलिए इस अमेजिंग होममेड बीटरूट सोप को बनाना शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप मेरा कोई भी फ़ायदेमंद वीडियो मिस ना करें। तो इस सोप को बनाने के लिए आप कोई भी क्रीम सोप ले लीजिए, जैसे कि डव या कोई भी और सोप। मैं यहाँ जॉनसन्स बेबी सोप ले रही हूँ, क्योंकि स्किन पर बहुत ही माइल्ड होता है। अब आप सोप को किसी ग्रेटर से फाइनली ग्रेट कर लीजिए। अब इस ग्रेटेड सोप को एक बोल में ट्रांसफ़र कीजिए। नेक्स्ट आप उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर, 1 टीस्पून विटामिन ई ऑयल, 2 tablespoons of beetroot juice, यानी चुकंदर का जूस, और 4 से 5 बूंदे लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की। आप चाहे तो कोई भी अपने पसंद का एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट हमें इस सोप मिक्सचर को मेल्ट करना होगा। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर पर मेल्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे डबल बॉयलर पर मेल्ट कर रही हूँ। जब सोप मेल्ट हो जाए तो हमें इसे किसी मोल्ड में डालना होगा। मैं यहाँ इस डिस्पोजेबल ग्लास में इसे सेट करूँगी। अब आप इसे वैसलीन से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि सोप आसानी से डीमोल्ड हो जाए। अब इस सोप मिक्सचर को इस मोल्ड में डाल दीजिए और फिर इसे सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दो घंटे बाद जब ये सोप सेट हो जाए तो आप इसे ऐसे करके डीमोल्ड कर लीजिए। बीटरूट में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इस सोप से आपकी स्किन लाइटन भी होगी और सॉफ्ट और सफल भी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस सोप को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी माई नेक्स्ट वीडियो।